अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज आई हैं, 11 इश्तहार हैं। दोस्तों किस पोस्ट पे है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों का मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वैकेंसीज या इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंच सके। दोस्तों पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आई हैं, 11 बड़े इश्तहार हैं, 11 के 11 मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप तफसील के साथ शेयर करता जाऊँगा। दोस्तों सबसे पहला इश्तहार है, इसमें दोस्तों केपीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मर्द और ख्वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली पोस्ट है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिसर, इसकी 3 वैकेंसी है, तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन असिस्टेंट, इसकी 4 वैकेंसी हैं, तालीमी काबिलियत BA या BSc या BCS। पर्सनल असिस्टेंट, इसकी 3 वैकेंसी हैं, तालीमी काबिलियत FA या FSc। जूनियर क्लर्क मैट्रिक बेस पे है, सुपरवाइज़र मैट्रिक बेस पे है, ड्राइवर पढ़ना लिखना जानता हो, मैट्रिक वाले को तरजीह दी जाएगी। और लास्ट में दोस्तों नायब कासद, पढ़ना लिखना जानता हो और मैट्रिक वाले को तरजीह दी जाएगी। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 19 अक्टूबर 2020 है, नीचे अप्लाई करने का तरीकाकार लिखा हुआ है, आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना दोस्तों ETI की वेबसाइट पे जाके 19 अक्टूबर तक आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा से। यहाँ पे मुकम्मल तरीकाकार लिखा हुआ दोस्तों। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, इसमें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग। पोस्ट है PR टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, 14 स्किल की ये जॉब है, तालीमी काबिलियत बॉयलर इंजीनियर सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ। या फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों बॉयलर इंजीनियर सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। एक्सपीरियंस नहीं मांगा दोस्तों ने, रेगुलर बेसिस पे ये जॉब है, 18 से 35 साल तक की एज की लिमिट है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 19 अक्टूबर 2020 है, अप्लाई करने का तरीकाकार लिखा हुआ है और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट निकाल के साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के बाय पोस्ट पहुंचाना है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसीज आई है कराची में, इसमें पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट या कस्टमर रिलेशन ऑफिसर, इसकी 3 वैकेंसी है, तालीमी काबिलियत बैचलर बेस पे है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर क्लर्क की, इसकी 4 वैकेंसी है, बैचलर बेस पे है। नायब कासद, इसकी भी 4 वैकेंसी है। और लास्ट पर दोस्तों ड्राइवर, 3 वैकेंसी है इसकी। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 15 अक्टूबर 2020 है। आप लोगों ने एप्लीकेशन के साथ तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स जिसमें शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल PRC, एकेडमिक सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर्स लगा के आप लोगों ने GPO बॉक्स नंबर 601 कराची इस एड्रेस पे एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुंचानी है। शालिस उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर्स एग्जेक्टिव ग्रेड 2, इसमें दोस्तों तालीमी काबिलियत अकाउंट्स या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स या डाटा साइंसेज में मुतलका मजमून में, यानी कि मास्टर डिग्री और 5 साल का तजर्बा। उससे अगली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एग्जेक्टिव ग्रेड 2, मास्टर डिग्री बेस पे है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट है IT ऑफिसर एग्जेक्टिव ग्रेड 2 ग्रेड 1, इसमें भी 216 साल की एजुकेशन। और लास्ट में 200 जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस।
इसमें 16 साल की एजुकेशन। आप लोगों ने दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करना है brightspade.com/vacancies विद इन 15 डेज के अंदर आप लोग एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। उससे अगला एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, इसमें अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दोस्तों पोस्ट है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री उर्दू की, और इसका सैलरी पैकेज 245,000 रुपये महाना, तालीमी काबिल एम ए एम एस सी फॉर डिवीजन के साथ। दूसरे नंबर पर दोस्तों एजुकेटर टू, इसमें इंग्लिश फीमेल ओनली अप्लाई कर सकती हैं, सैलरी पैकेज 235,000 रुपये महाना और तालीमी काबिलियत एम ए फॉर डिवीजन के साथ रेलिवेंट सब्जेक्ट में और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 19 अक्टूबर 2020 है। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है www.hr1384.com.pk। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, आप प्रोग्रेसिव पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दोस्तों पोस्ट है मैनेजर क्रिप्टोग्राफिक डिजाइन एंड एनालिसिस, तालीमी काबिल बीई या बीएस, 4 साल की डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या टेलीकॉम या सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में, कम से कम 40 डिवीजन के साथ और 6 साल का रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। उससे अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर क्रिप्टोग्राफिक डिजाइन एंड एनालिसिस, तालीमी काल दोस्तों सेम है। दोस्तों आप लोगों ने 20 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन के साथ सीवी, साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जिसमें तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स हों लगाकर आप लोगों ने मैनेजर एचआर पीओ बॉक्स नंबर 2814 जीपीओ इस्लामाबाद इस एड्रेस पे आप लोगों ने एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुंचानी है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, इसमें आप प्रोग्रेसिव पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे पहली पोस्ट है टेक वन मैकेनिकल सिविल सर्वेयर, 10वें स्केल के बराबर ये जॉब है, 3 साल डिप्लोमा डीएई फॉर डिवीजन के साथ, और इसमें किसी किस्म का कोई भी तजर्बा नहीं मांगा गया, साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, तालीमी काबिल इसके लिए बीएससी फिजिक्स फॉर डिवीजन के साथ, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, तालीमी काबिल बीबीए फाइनेंस या बैंकिंग में या 2 साल का तजर्बा, जूनियर असिस्टेंट एडमिन इसके लिए तालीमी काबिल बीएससी ये बीबीए। उससे अगली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट टू अकाउंट्स, इसके लिए तालीमी काबिल आई काम या डी काम फॉर डिवीजन के साथ, जूनियर असिस्टेंट टू एडमिन इसके लिए तालीमी काबिल एफ ए या एफ एस सी। उससे अगली पोस्ट है टेक टू इलेक्ट्रिकल, एफ एस सी बेस पे है, टेक टू डिस्पेंसर एफ एस सी बेस पे है दोस्तों, स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर 3, मैट्रिक के साथ एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कुक मैट्रिक बेस पे है, केयर टेकर इंटरमीडिएट बेस पे है, टेक 3 सर्वेयर हेल्पर या कारपेंटर या प्लम्बर मैट्रिक साइंस के साथ, साइंटिफिक असिस्टेंट मैट्रिक साइंस के साथ, डिस्पैच राइडर मैट्रिक बेस पे है, कुक मिडिल बेस पे है, वेटर मिडिल बेस पे है। दोस्तों आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इस का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 18 अक्टूबर अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, 18 से 35 साल तक की एज की लिमिट है। अप्लाई करने का तरीका क्या दोस्तों लिखा हुआ है, उससे अगला एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, इसमें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पोस्ट है दोस्तों अकाउंटेंट की, सबसे पहले 15वें स्किल के ये जॉब है दोस्तों, और तालीमी काबिल ग्रेजुएशन बी काम या बी बी ए और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए अकाउंटेंट का। उससे अगली पोस्ट है असिस्टेंट की, 15 स्किल के बराबर ये जॉब है, ग्रेजुएशन बेस पे सेकंड डिवीजन के साथ, डिस्पैच राइडर 4th स्किल की ये जॉब है, मैट्रिक बेस पे है, ड्राइवर मिडिल बेस पे है, नाइट का सेट प्राइमरी बेस पे है, स्वीपर 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। दोस्तों अप्लाई करने का तरीका का नीचे लिखा हुआ पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है।
एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करके और बैंक में फीस जमा करवा के आप लोगों ने बाई पोस्ट पहुँचाना है। पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर थर्ड फ्लोर अदील प्लाजा फजल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, इसमें अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पोस्ट है दोस्तों एडमिन ऑफिसर की पब्लिक रिलेशन। दोस्तों इसका सैलरी पैकेज 85,200 रुपये तक और तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री है बीएस मैथ कम्युनिकेशन के साथ या मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के साथ फर्स्ट डिवीजन के साथ। नीचे दोस्तों अप्लाई करने का तरीका क्या लिखा हुआ है, सैलरी पैकेज बहुत ही ज़बरदस्त है, 285,000 रुपये महाना होगा, 18 से 35 साल तक की एज की लिमिट है। विद इन 15 डेज के अंदर आप लोगों ने एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुंचानी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 19 अक्टूबर 2020 है। एप्लीकेशन के साथ आप लोगों ने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर टू पी ओ बॉक्स नंबर 3255 इस्लामाबाद, इस एड्रेस पर एप्लीकेशन आप लोगों ने बाई पोस्ट पहुँचानी है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट दोस्तों, इसमें खैबर पख्तूनख्वा डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसी के लिए। इसमें पोस्ट है सबसे पहली प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की 16 स्किल की, ये जॉब है मास्टर बेस पे है, कंप्यूटर ऑपरेटर मास्टर डिग्री बेस पे है दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट बैचलर बेस पे है, जूनियर क्लर्क इंटरमीडिएट बेस पे है, पीए टू प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंटरमीडिएट बेस पे है, स्टोर कीपर इंटरमीडिएट बेस पे है, ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नायब का सर मैट्रिक बेस पे है, चौकीदार स्वीपर के लिए दोस्तों तजर्बा रखने वाले को तस्दीक दी जाएगी। विद इन 15 डेज के अंदर आप लोगों ने एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुंचानी है। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 20 अक्टूबर 2020 है। आप लोगों ने एप्लीकेशन पी ओ बॉक्स नंबर 1403 पोस्ट माल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर इस एड्रेस पर एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुँचानी है। लास्ट पे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट है आप प्रोग्रेसिव पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ई कॉमर्स एमबीए या आईटी या बीबीए, इन्वेंट्री एग्जीक्यूटिव बीकॉम या बीबीए बेस पे है, अकाउंट्स असिस्टेंट तालीमी काबिलियत सेम है, ऑडिट असिस्टेंट तालीमी काबिलियत सेम है, असिस्टेंट कैशियर बीकॉम या बीबीए या बीए बेस पे है, लास्ट में दोस्तों ड्राइवर मैट्रिक बेस पे है। दोस्तों आप लोगों ने जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाह रहे हैं उन लोगों ने अपनी सीवी एप्लीकेशन के साथ सीवी अटैच करनी है और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के आप लोगों ने मैनेजर एडमिन केआरएल फाउंडेशन बिल्डिंग नंबर 392 सी अलनूर कॉलोनी कदीर रोड रावलपिंडी एड्रेस पर आप लोग एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुँचा सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 16 अक्टूबर 2020 है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी नहीं है दोस्तों, सैकड़ों नौकरियां आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कुछ में आप लोगों को टेस्ट देने की जरूरत, डायरेक्ट आप लोगों को इंटरव्यू को बुलाया जाएगा, और कुछ वैकेंसी में आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है और कुछ में आप लोगों ने मैनुअल तरीके से अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश है तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।